हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सौरभ सर्स क्लासेस। मेरा नाम अश्मिता है। आज के क्लास में हम CA CPT एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। CA CPT एंट्रेंस एग्जामिनेशन का मतलब है चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अगर आप कोई अकाउंटेंसी कोर्स परस्यू करने जा रहे हैं तो ये एक प्राइमरी स्टेज और फर्स्ट स्टेप होता है टुवर्ड्स योर कोर्स। The main purpose of this examination is to assess or to test the candidate's ability in answering questions on mercantile laws, on accounting, on general economics and quantitative aptitude. It is very important to get a clear idea of the examination pattern before you are starting your preparation. तो इस एग्जामिनेशन पैटर्न को जानने के बाद ही आप अपना प्रॉपर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर पाएंगे कि किस तरह से मुझे प्रिपरेशन लेना है। यू नीड टू नो अबाउट द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, द सिलेबस, द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, द मार्किंग स्कीम, कौन से सेक्शन में कैसा क्वेश्चन आता है, उसमें कितना मार्क्स है, किस तरह के सेक्शन डिविजन है, इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से जानना है। Be updated with the latest syllabus of the entrance examination which you are looking forward to. First, let us discuss किस तरह से ये examination conduct होता है। ये एक pen and paper based examination है, मतलब ये offline mode में लिया जाएगा। CA CPT exam question paper is divided into four parts. Part 1, fundamentals of accounting and mercantile laws. Part 2, mercantile laws. Part 3, General Economics, and Part 4, Quantitative Aptitude. CA CPT Entrance Examination is taken in two sessions. The Entrance Examination consists of objective type questions of 200 marks. Each session of CA CPT Examination is of 2 hours and the total duration for the entire examination is 4 hours. The medium of CA CPT examination is either in English or in Hindi. 0.25 marks is deducted for every incorrect answer. Next, let us discuss about the different sections given in the question paper, their marks division and as well as the timings. Section A consists of questions from fundamentals of accounting or isme rehta hai 40 marks. नॉर्मली जो टाइमिंग्स अलॉट किया जाता है वो है 10:30 बजे से 12:30 बजे, मतलब 2 घंटे। तो ये टाइमिंग्स टेंटेटिव है, ये चेंज भी हो सकता है बाद में। सेक्शन बी कंसिस्ट्स ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम मर्चेंटाइल लॉस। इसमें टोटल मार्क्स रहता है 60 और इसमें भी 2 आवर्स रहता है, दैट इज फ्रॉम 10:30 to 12:30, ये भी चेंज हो सकता है। दीज आर ऑल टेंटेटिव टाइमिंग्स। Section C deals with general economics, which has 50 marks allotted to it. Aur iska timings rehta hai normally 2 to 4 p.m. Section D consists of quantitative aptitude questions and isme marks allotted hai 50 aur iska bhi timings normally rehta hai from 2 p.m. to 4 p.m. Before starting your preparation, you must have a thorough knowledge of the topics and the subtopics which are there in your examination. सेक्शन ए ऑफ दिस एग्जाम पेपर कंसिस्ट्स ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। इसमें आपका टॉपिक्स रहेगा इन्वेंटरीज, अकाउंटिंग प्रोसेस, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शंस, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स फॉर सोल प्रोप्राइटर्स, इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट्स और पार्टनरशिप अकाउंट्स। सेक्शन बी ऑफ दिस एग्जाम पेपर डील्स विद मर्चेंटाइल लॉज, जिसमें आपका टॉपिक्स रहेगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सेक्शन सी डील्स विद जनरल इकोनॉमिक्स, जिसमें आपका टॉपिक्स रहेगा इंडियन इकोनॉमी, नेचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज इन द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, द प्रॉब्लम्स इन देयर ग्रोथ, National Income of India, Concepts of National Income, Different Methods of Measuring National Income, Growth of National Income and Per Capita Income in Various Plans, Basic Understanding of the Tax System of India, that is Direct and Indirect Taxes. Basically, इस पार्ट में आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से क्वेश्चंस मिलेगा, जैसे कि पॉपुलेशन, इट्स साइज, रेट ऑफ ग्रोथ एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर ग्रोथ।
आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा पॉवर्टी, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पॉवर्टी एंड मेन प्रोग्राम्स फॉर पॉवर्टी एलिविएशन। नेक्स्ट टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट टाइप्स, कॉजेस एंड इंसिडेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन, इन्फ्लेशन, बजट एंड फिस्कल डेफिसिट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, एक्सटर्नल डेब्ट्स। नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है मनी एंड बैंकिंग, मनी मीनिंग एंड फंक्शंस, बैंक्स लाइक कमर्शियल बैंक्स, रोल एंड फंक्शंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, रोल एंड फंक्शंस, मॉनिटरी पॉलिसीज। नेक्स्ट जो पार्ट है ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर, तो इसमें जो सब टॉपिक्स रहेगा वो है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, डेफिनेशन, स्कोप एंड नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक स्टडी, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, मीनिंग एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस, इनकम एंड क्रॉस इलास्टिसिटी, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर, मार्शल एंड अप्रोच एंड इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, मीनिंग एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट टॉपिक है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, मीनिंग एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लॉ ऑफ प्रोडक्शन, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, द लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट, एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कंपटीशन इन मार्केट्स, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, द प्राइस डिटरमिनेशन इन दीज मार्केट्स। नेक्स्ट जो आता है वो है सेक्शन डी, विच विल डील विद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्वेश्चंस। इसमें कौन से टॉपिक्स रहेगा देख लेते हैं। पहला टॉपिक रहेगा सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट्स विद एनुइटी कैलकुलेशंस, ग्राफ्स ऑफ इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। नेक्स्ट टॉपिक होगा इक्वेशंस के ऊपर, लीनियर इक्वेशंस, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस अप टू थ्री वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ग्राफिकल सॉल्यूशन टू लीनियर इक्वेशंस। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सेट्स, फंक्शंस एंड रिलेशंस, लॉगरिथम्स, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस, सीक्वेंस एंड सीरीज, एरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, इंटुइटिव अप्रोच, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस। हियर यू हैव टू एक्सक्लूड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, दोज आर नॉट देयर। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन, जैसे कि एरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, पार्टीशन वैल्यूज, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, टेक्सचुअल, टैबुलर एंड डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, frequency distribution, graphical representation of frequency distribution like histogram, frequency polygon or jive. Next topic rahega correlation and regressions. Next rahega theoretical distribution, probability and expected value by mathematical expectation. Next topic hoga sampling theory, like the basic concepts of sampling theory, comparison between sample survey and complete enumeration, errors in sample survey, some important terms associated with sampling, types of sampling, theory of estimation, determination of sample size, and last topic is index number. So, ye tha pura in details mein discussion regarding the exam paper, pattern, duration, marking scheme, or distribution. So, obviously, for the preparation of any kind of entrance examination, you need guidance. और हम सौरभ सर्स क्लासेस में आपको ये गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। हमारे यहाँ पे हम फुल फ्लेज्ड लाइव रेगुलर ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस का प्रोविजन रखे हैं। अगर आप सिर्फ डाउट क्लियरिंग क्लासेस के लिए भर्ती होना चाहते हैं तो उसका भी यहाँ पे प्रोविजन है। हम आपको फुली सॉल्व स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे। हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व करके देते हैं। अगर आप यहाँ पे एनरोल करते हैं तो हम आपको एक एक्सेस देंगे, हमारे प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स की एक्सेस। आप जितना बार चाहे उसको व्यू कर सकते हैं जब तक आपके डाउट्स क्लियर ना हो जाए। हमारे यहाँ पे जो टीचिंग फैकल्टी है वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, और सिर्फ इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए नहीं बल्कि सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे हम कैंडिडेट्स को प्रिपेयर करवाते हैं।
सिर्फ एंट्रेंस बेस्ड नहीं, हम यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बेस्ड, कोर्स बेस्ड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए भी प्रिपरेशन करवाते हैं। हम यहाँ पे वीकली 2 मॉक टेस्ट्स का फैसिलिटी देते हैं ताकि हम आपके परफॉर्मेंस को देख सकें कि हमारे गाइडेंस में आप कितना अच्छा कर पा रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे एनरोल करना चाहते हैं और हमारे गाइडेंस में लर्न करना चाहते हैं, प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए गए हैं, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कीजिए और अपने आप को एनरोल कीजिए। तो इसी के साथ मैं आज की क्लास को ख़त्म कर रही हूँ। हम लोग फिर से मीट करेंगे हमारे अगले क्लासेस में।